In this video, I'm going to show you the instruments used in gynae and obs. So, let us start with Cuscoz bivalved self-retaining vaginal wall speculum. So, इसको hold ऐसे करते हैं, ये ऐसे करके दो इनको hold करके ये और entry ऐसे करवा के फिर ये इसको घुमा के और फिर उसके बाद ऐसे खोल देते हैं और फिर उसके बाद ये स्क्रू है इसे टाइट कर देते हैं तो जहां पे फिर उसके बाद किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एंटर करके ये है सिम्स डबल ब्लेडेड क्योंकि इसमें डबल ब्लेडेड है सिम्स डबल ब्लेडेड पोस्टीरियर वजाइनल वॉल स्पेक्युलम ठीक है इसके यूज वही गायनी और ऑब्स में होते हैं रूटीन गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में पहले इसको ऐसे एंटर करवाते हैं और फिर ऐसे घुमा के मोड़ देते हैं और फिर एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर को यूज करके और फिर हम कोई भी हम डिस्चार्ज कलेक्ट डिस्चार्ज कर सकते हैं या फिर एचएसजी में यूज करते हैं कोई भी गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशन है रूटीन पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन वल्सिलम इसमें आप देख सकते हैं ये मल्टीपल टूथ होते हैं ये है यूटेराइन क्यूरेट एक साइड ब्लंट होती है इसकी ये आप देख सकते हैं और एक साइड इसकी शार्प होती है तो ये डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक दोनों पर्पज में यूज किया जाता है ये है सर्वाइकल पंच बायोप्सी फोर्सेप इसमें आप देख सकते हैं फिट हो जाते हैं दोनों ये देख सकते हैं ऐसे करके ये दोनों फिट हो जाते हैं और फिर ये थोड़ा सा कर्व्ड है आप देख सकते हैं ये कर्व्ड है और इसमें ये लॉक लग जाता है और लॉक को फिर खोल सकते हैं ऐसे करके खुल जाता है ठीक है तो ये नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है स्पॉन्ज होल्डर इसमें भी लॉक होता है और ये आप देख सकते हैं रिजेस बने हुए हैं इसमें और ये बीच में से हॉलो है और जो ओवम फोर्सेप होता है उसमें ये जो हॉलो है वो नहीं होता तो फिर उसके बाद नेक्स्ट है एचएसजी कैन्यूला इसमें अंदर हॉलो होता है ये तो ये एचएसजी कैन्यूला है नेक्स्ट है ये है नीडल होल्डर इसमें देख सकते हैं ये ग्रूव बना हुआ है इसमें आप क्लोज से देखेंगे तो ये ग्रूव बना हुआ है तो ये है नीडल होल्डर और इसमें भी लॉक होता है नेक्स्ट है ये है एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये रिजेज होते हैं इसमें भी दो साइड से एक थोड़ा सा बड़ा है और ये दोनों में रिजेज हैं नेक्स्ट है ये यूटेराइन साउंड तो और इसमें मार्किंग्स होती हैं ये यूट्रस की लेंथ को पता करने के काम आता है और दूसरा जो यूट्रस है वो एंटीवर्टेड है या रिट्रोवर्टेड है तो यूट्रस की पोजीशन को पता करने के काम आता है नेक्स्ट इज ये है कॉकर्स फोर्सेप इसको किसी भी आर्टरी को या फिर कॉर्ड को क्लैम करने के काम आता है और इसमें आप देख सकते हैं ये टूथ होता है इसकी यही पहचान है कॉकर्स फोर्सेप ये टूथ इसमें फिक्स हो जाता है और किसी भी आर्टरी या फिर उसको क्लैम करने के काम आता है फिर उसके बाद नेक्स्ट है ये है स्ट्रेट आर्टरी होल्डर इसमें ये रिजेज हैं और इसमें लॉक भी है तो ये है स्ट्रेट आर्टरी होल्डर नाउ दिस इज हॉकिंस डायलेटर ये अलग अलग नंबर के आते हैं तो इससे हम सर्विक्स को डायलेट कर सकते हैं